रीवा जिले के हनुमाना अधिवक्ता संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मऊगंज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अनिल कुमार तथा विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल नारायण भरद्वाज तथा अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य अखंड प्रताप सिंह ने किया। अधिवक्ता संघ हनुमाना के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि ने कहा, हनुमाना जैसा समन्वय कहीं नहीं देखा, तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद सदस्य अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि शासकीय अधिवक्ता चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हुए विद्वान अधिवक्ताओं का अपमान अंगूठा टेक सत्तासीन नेताओं द्वारा किए जाने का सवाल उठाया। कार्यक्रम में हनुमाना कोर्ट के मजिस्ट्रेट क्रमशः उत्कर्ष राज सोनी एवं विनोद चौधरी, मऊगंज कोर्ट के मजिस्ट्रेट राहुल नामदेव, तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सुजेत नागेश, थाना प्रभारी शैल यादव, नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, उपाख्य सोनू, रेड क्रॉस सोसाइटी हनुमाना के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह आदि उपस्थित रहे। समारोह में सामूहिक रूप से माननीय एडीजे द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें अध्यक्ष राम रक्षा शुक्ला, उपाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर सिंह, सचिव रमेश कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष कमल नयन केसरी, सह सचिव राजेश सोनी, ग्रंथपाल ज्ञानेंद्र द्विवेदी सहित समस्त कार्यकारिणी के सदस्य शामिल रहे। सहायता बनी रहे हमारे सभी साथी, जो भी अधिवक्ताओं के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करते हुए और अपना विधि व्यवसाय पूरी ईमानदारी और अनुशासन में रहकर करें। तीन अधिवक्ता चार अधिवक्ता जो सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, सुपर मोस्ट हैं, उनको अधिकृत करें कि इनमें से आप अपने को पांच नाम, सात नाम, आठ नाम भेजिए जो अच्छे हैं, उस पर फिर वो चुनाव कर लें। न्याय की जो एक पवित्र रथ है उसके दो पहिए, और कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है और दोनों इक्वल हैं। और जहाँ यहाँ का जो हमने हनुमाना का मैंने देखा है या मऊगंज का देखा है या रीवा का भी देखा है, इतना अच्छा समन्वय जो कोऑर्डिनेशन है बार और बेंच का, वो मध्य प्रदेश में शायद ही मुझे दोबारा कहीं दिखे। तो इसके लिए मैं जितने भी अपने माननीय अधिवक्तागण हैं।